आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। हाईकोर्ट से सियासी झटका लगते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर ही बदल गए। उन्हें अपनी सरकार बचाने की इतनी जल्दी पड़ गई कि वो खुलेआम राज्यपाल तक को धमकी दे गए, वो भी मीडिया के कैमरों के सामने। गहलोत ने बयान दिया तो विरोधियों ने भी उन्हें लगे हाथ आड़े हाथ ले लिया। अशोक गहलोत की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाने वाले हनुमान बेनीवाल ने भी एक ट्वीट कर गहलोत को उनकी धमकी का जवाब धमकी से ही दे डाला। फाइव स्टार होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने गहलोत पर तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने एक बार भी कायदे से जनता का आह्वान कर दिया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से गहलोत को उतरने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे जिम्मेदार व्यक्ति का राज्यपाल के लिए मीडिया में इस तरह से बयान देना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। तो वहीं बीजेपी ने भी गहलोत पर वार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बीजेपी नेताओं ने भी हनुमान बेनीवाल के सुर में सुर मिलाते हुए अशोक गहलोत पर खूब जुबानी हमले किए। राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इस मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपनी पार्टी की आंतरिक कलह को बौखलाहट में अब जग जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा देना ही कांग्रेस पार्टी और जनता के हित में होगा। उधर अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे संकट के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाई और विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से उठाए गए 6 बिंदुओं पर चर्चा की। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रात 9:30 बजे शुरू हुई थी जो करीब 2.5 घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा राज्यपाल की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर की गई। गहलोत सदन में सत्र बुलाकर अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल भी अडिग हैं और गहलोत का सिंहासन डोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।